आदेश आदेश नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ में स्वागत करता हूँ। सभी जानकारी में फिर से हाजिर हूँ का नई जानकारी सर, साइन लोग और साइन लोगों की साधना कैसे सिद्ध होते हैं, साइन लोग और कैसे चलते हैं इनके साथ 33 कोटि देवी देवता जोड़े में अनेक देवताओं की सिद्धि लेकर चलते हैं। साई लोग कौन होते हैं और कैसे इनकी साधना करी जाती है। सर्वप्रथम निवेदन रहता है चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तीन मेरे और चैनल है गुरु गोरखनाथ शिव गुरु क्षण और चस्प, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु को चेला को गुरु नहीं, किसी के जहाँ से मत फंसना। सभी धर्मों का आदर्श क्रमण करते और व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। साधना सिद्धि पर चलना है तो गुरु सानिध्य गुरु कृपा से चलना है। मंत्रों का उच्चारण गुरु कृपा से होता है, गुरु दीक्षा लेने के बाद ही होता है। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो, बाकी की सारी सर्विस पेड है। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है 9891595270, अदरवाइज मेरा कोई और नंबर नहीं, इसी के ऊपर आपने कंसल्ट करना है। इस पर साधना के अकॉर्डिंग मेरा भोग प्रसाद रहता है। किसी भी साधना को करने से पहले अरदास और कंसल्टिंग फीस स्क्रीन के ऊपर लिखी आ रही है, और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। साई लोग कौन होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लोग जिन्होंने भक्ति कर कर इस देवता को पाया है, जो इस संसार में रहते हुए कल्याण कर रहे हैं, और अथवा जिनकी पूजा अर्चना करने से किसी व्यक्ति का कार्य निकलता है। साई लोग वह लोग हैं जिन्होंने देवताओं को पूज कर ही सिद्धों की महारत हासिल करी है, जो कि सिद्ध योनि में गए हैं। इनकी साधना सिद्धियां करने के अनेक अनेक विपरीत वो बोलते विधान हैं। साई लोगों के मंत्र हैं। साई लोग वो लोग हैं, साई लोग वो शक्तियां हैं जो कि नाथों के साथ 33 कोटि दैविक शक्तियों के साथ चलती है। मन की इच्छाएं, मन की मुरादें चुटकी बजाते ही पूर्ण कर देते हैं ये देवता। इनकी साधना गुरु सानिध्य में करी जाती है। साधना का विधान रुद्राक्ष की माला, अपना स्वयं का आसन, साधना के हर एक नियम को अपने ऊपर लागू करना अथवा मंत्र का पूर्ण रूप से उच्चारण करना है। साई लोगों के मंत्र अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ शावर मंत्र हैं, कुछ वैदिक मंत्र हैं, जिनका उच्चारण करके आप लोग इनकी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के साथ साथ किसी व्यक्ति के बारे में बताना, किसी व्यक्ति के मन की बात जान लेना, अथवा किसी के घर में दुख तकलीफ कला क्लेश को दूर कर देना, ये जन कल्याण हेतु ही इनकी साधना करी जाती है। साईं लोगों को भोग में धुने पे ही भोग लगाया जाता है। इन्होंने साधना सिद्धियां धुने पर ही करी हैं, तो इनके नाम का भी धुना लगता है। कई प्रकार की शक्तियां जिसमें दशपाशाही पीर फकीर पैगंबर वली इनके साथ चलते हैं अथवा दुनिया के कार्य पूर्ण करते हैं। इनकी साधना करने से आपके मन की जितनी भी इच्छाएं होती हैं, मन की जितनी भी कामनाएं होती हैं, जो भी आप अरदास इनके चरणों में रखते हो, हर एक अरदास पूर्ण होती है गुरु कृपा के साथ। मंत्र साधना विधान किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में करें अथवा साधना का पूर्ण रूप से आप समझ लें। अगर इनकी साधना करना चाहते हो तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। साधना के अनुसार ही मेरा भोग प्रसाद रहता है। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, जो कि स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट को अच्छे से पढ़ ले और डिस्क्रिप्शन को देख ले। आदेश आदेश चाहिए।